सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत। इस विद्यालय को लोग बहुत ही अच्छा विद्यालय मानते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं हो सकता। लेकिन इसी विद्यालय के जी हाँ इसी सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र को यहाँ के एक अध्यापक अजय वीर सिंह, जो कि रसायन विज्ञान का अध्यापक है, उसने बेहद बेरहमी के साथ डंडों से मारा और कई डंडे मार मार के तोड़ दिए। आरोप था कि बच्चे ने ट्यूशन पढ़ने से मना कर दिया। जी हाँ, यही वो विद्यालय है। हमने उस छात्र से बातचीत की तो उस छात्र ने हमें जो बताया वो बेहद शर्मनाक था। आप भी सुनिए छात्र क्या कहता है। क्या मामला था, क्या हुआ था आपसे? मैं अपनी सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम जसदीप है। मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ, खास सेक्शन में। वहाँ मैं अपनी क्लास में बैठा था, तभी रसायन विज्ञान के टीचर आए, अजय वीर जी। उसने हमें ट्यूशन के लिए धमकी दे रहे थे और हमसे कह रहे थे तुमने हमारे ट्यूशन आओगे, और बच्चे बोले तुमने बच्चों को भर दिया, वो भी ट्यूशन नहीं आ रहे। इसी कारण उनके हाथ में डंडा आया, उन्होंने 2-3 डंडे हम पे तोड़ दिए और मैंने प्रधानाचार्य जी से कहा कि उल्टा उसने मारा और बोला अपने तुमने घर वालों को बताया, मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। और इसमें कारण आगे बार में फिर भी बार में फिर बुलाया मुझे स्कूल में, फिर उल्टा उन्होंने मारा और आज मुझे स्कूल में घुसने नहीं दिया। घर पे शिकायत की? घर पे मैंने शिकायत की तो घर वाले कहते उनसे उनसे बहुत गलत सीधा बोलते रहे। इस छात्र का पूरा शरीर डंडों की मार से सूजा हुआ है। आप इस हाथ पर देखिए, डंडों की मार के लाल लाल निशान पड़े हुए हैं। और केवल हाथ ही नहीं, शरीर का कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है। दोनों हाथ डंडों की मार से बोझिल हैं। कितने बड़े निशान हैं डंडों की मार के। इस तरह तो पुलिस भी अपराधियों को नहीं मारती है, जैसे इस शिक्षक ने इस छात्र को पीटा है। बस ये 16 साल उम्र का छात्र है। हाथों के अलावा इस छात्र की पीठ भी आप देख सकते हैं कि इसकी पीठ पर किस तरह से चोट के निशान हैं। इधर आ जाइए, सामने देखिए, ये पूरी पीठ डंडों की मार से भरी हुई है। बिल्कुल अपराधियों की तरह इस बच्चे की पिटाई की गई है, जो कि बेहद शर्मनाक है। फिलहाल इस मामले की तहरीर बीसलपुर कोतवाली में दर्ज कर दी गई है और हमने वहां पर सीओ प्रवीण कुमार जी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वो जांच के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। छात्र की तरफ से लिखित क्या शिकायत आई सर? हाँ, ये एक सरस्वती विद्या मंदिर के छात्र है जसनदीप सिंह, लगभग 16 वर्ष इसकी उम्र है, कि पिताजी ने रंजीत सिंह है, इन्होंने एक NCR दर्ज कराई सेक्शन 323-504 में। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? इनका मेडिकल करा दिया है और अभी जांच चल रही है। जांच एक SI है, उनको नियुक्त किया गया। इन्होंने अपना जो तहरीर दी है उसमें अपने प्राचार्य और अपने टीचर के ऊपर मतलब ट्यूशन के लिए दवा बनाने के लिए मारपीट का तहरीर दी। वही जब प्रधानाचार्य से शिकायत की गई तो प्रधानाचार्य ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर बच्चे पर तान दिया और जमकर पिटाई करके बोले कि अगर तूने किसी से ये बात कही तो तुझे गोली से मार दूंगा। अब ऐसे प्रधानाचार्य ऐसे शिक्षक होंगे तो फिर बच्चे स्कूल में क्या करेंगे जाकर? भगवान ही मालिक।